मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिला बलिया में जहां पर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, जो एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से हर मामले में आवाम की खिदमत के लिए खड़े रहते हैं। उनके हर मसाइल को हल करने की कोशिश जारी वो सारी रखते हैं। जो एक ऐसी खबर जिला बलिया से आ रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कि आवाम के हर मसाइल को लेकर, उनके हर मसले को दूर करने या आवाम के सामने वो मसाइल पेश ना आए उससे पहले ही उस परेशानियों को दूर करने में लगे रहते हैं। जो इस वक्त रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है, उससे पहले उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम पार्टी जिला बलिया का एक प्रतिनिधि मंडल पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में रमजान के मौके पर राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती मीना शर्मा को दिया गया। वो प्रशासनिक अधिकारी को समस्याओं से अवगत कराया गया। पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि सहरी, अफ्तारी व तरावी नमाज के दौरान बिजली की कटौती न की जाए, यानी इस वक्त बिजली को न काटा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नाली सड़क की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को संबंधित विभाग के जिम्मेदारों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन नहीं करते हैं। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी मांग हम जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, जिला प्रमुख महासचिव महताब आलम, जिला सचिव फरीद अहमद, मुराद खुर्शीद अहमद, दीपक यादव, जिला कार्य समिति के सदस्य सनाउल्ला खान, नियाज अहमद, जिला कोसा अध्यक्ष अब्दुल्ला अंसारी, राजकुमार राजभर, छोटन राजभर, तिरुभवन राम मौजूद रहे। आइए देखते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता मोहम्मद शमीम खान साहब पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन देते हुए। सुबह जगते हैं वो पीरियड 3 बजे से 6-5 बजे के बीच का होता है सुबह। उस पीरियड में बिजली कटौती में अंधेरा रहता है तो लोगों को खाना बनाने में खाने में जी, और शाम के समय जैसे 6 बजे के आसपास अजान होती है उस समय ही लोग उन्हें दिन भर भूखे रहने के बाद भोजन करते हैं, और उसके बाद एक नमाज होती है तो 8 बजे से 10 बजे रात होता है। तो इस समय किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल बिजली जो है बहुत ज़्यादा लोड नहीं है थोड़ा सा, ये एक रिक्वेस्ट है। दूसरी मेरा रिक्वेस्ट है कि 2 दिन से बहेरी में ट्रांसफार्मर चला गया, क्योंकि वो इलाका हम लोगों का और आज चांद को याद रमजान की चांद का तारीख नहीं है तो कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो कम से कम जो ट्रांसफार्मर की साथियों, अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएं जो आपके हर मसाइल को दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।